मैं बिट्टू कुमार, केंद्रीय विद्यालय उमरिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना संकट के दौरान बच्चे पर दे ध्यान। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो स्पेशल अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो जो आप सबको पता है कि कोरोना संकट चल रहा है और इस दौरान बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। पहले बच्चा जो स्कूल में आता था तो अपने शिक्षक से ज्ञान पाता था, ठीक है। तो वो शिक्षक के ज्ञान से नहीं सीखता था, ज्यादा वो शिक्षक के व्यवहार से, उसके चरित्र से, अपने फ्रेंड्स के व्यवहार से। वो एक ग्रुप में रहता था, वो प्लेग्राउंड में खेलता था, उन सब के व्यवहार से वो सीख पाता था, अच्छे से सीख पाता था। तो अब कोरोना संकट चल रहा है तो बच्चा क्या है, आपके पास है, ठीक है, अभिभावकों के पास है, उस घर में है, 24 घंटे घर में है। तो अब हो क्या रहा है कि बच्चा रेगुलर घर में है तो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो रहा होगा। वो घर में उसको बंद कर रहने का जो आदत नहीं थी, वो घर पर बंद रह रहा है, ये हम सबको पता है। इस दौरान हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इस दौरान होता क्या है कि बच्चा, मनोविज्ञान ने भी कहा है कि बच्चा केवल शिक्षक के ज्ञान से नहीं सीखता बल्कि व्यवहार से सीखता है। तो अब चूंकि बच्चा आपके पास 24 घंटे है तो आपके व्यवहार से वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है और आप उसको अच्छे से सिखा भी रहे होंगे। तो इस दौरान क्या होता है कि हमें अपना चरित्र, यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आप ये तो नहीं सोच सकते कि बच्चा जल्दी उठे और हम ना उठे, ठीक है, बच्चा एक्सरसाइज करे और हम ना करें, तो ये तो फिर हो भी नहीं पाएगा। यदि अभिभावक ऐसा सोच सकते हैं तो हो भी नहीं सकता। तो आप ये मतलब नहीं सोच सकते, यदि बच्चे को जल्दी उठाना चाहते हो आप तो आपको खुद को भी जल्दी उठना पड़ेगा, आपको भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो बच्चा आपको देखकर आपके व्यवहार को फॉलो करते हुए बच्चा सीखेगा, एक्सरसाइज भी करेगा, जल्दी भी उठेगा। और होता क्या है कि अक्सर हम मोबाइल का यूज करते रहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चे के सामने आप कम से कम मोबाइल का प्रयोग कीजिए। अक्सर शिकायत मिलती है कि बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें हम लगातार करते रहते हैं, मोबाइल में लगातार देखते रहते हैं, उससे हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चे को हमने इससे बचाना है। पहली बात ये कि हमें बच्चे को अपने व्यवहार से सिखाना है। दूसरा, बच्चा स्कूल में आता था, आप ऑफिस में चले जाते थे, पर अब बच्चा आपके पास 24 घंटे है तो आपको बच्चे को समय देना पड़ेगा। हाँ, अभी आप ऑफिस जाते होंगे, पर मैं ये मान सकता हूँ कि पहले से अब ज्यादा आपको टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि बच्चा आपके पास 24 घंटे है, तो बच्चे को समय दें, ठीक है। तीसरा है कि बच्चे को अपने फैसले लेने दें। जैसे मान लो वह सुबह उठा, आपने भी एक्सरसाइज की, बच्चा भी साथ में एक्सरसाइज कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि जिस स्टेप टू स्टेप आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो बच्चा भी करे, ये जरूरी नहीं है किसी भी हाल में। यदि बच्चा कोई और भी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको अपने फैसले लेने दे, उसको अपने हिसाब से एक्सरसाइज करने दे, उस पर कोई चीज थोपे नहीं, ठीक है। उसकी क्रिएटिविटी आप देखिए कि वो नया क्या कर पा रहा है, ठीक है, और उसको मोटिवेट कीजिए। तीसरा, मैं ये बता सकता हूं कि आप ये भी कह सकते हो, कर सकते हो कि क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कि एक कोई पौधे का बीज दीजिए आप, ठीक है, और एक गमला लाकर दे दीजिए। बच्चे को बताइए कि रोजाना बताइए कि इस मिट्टी में आपको लगाना है, इस टाइम टू टाइम पानी डालना है और उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। बच्चे उसको देखेंगे और उस पौधे के बारे में, यानी कि बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तो ये आप बच्चे को टास्क भी दे सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको केवल एक बार एफर्ट करने हैं, उसके बाद में बच्चे को रोजाना बस ध्यान देना कि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है क्या, और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो लिख रहा है क्या, बस केवल इतना करना है। इससे क्या होगा, एक तो बच्चा बिजी भी रहेगा, एक क्रिएटिविटी उसकी बढ़ती जाएगी, तीसरा वो पौधे के बारे में कुछ सीख भी सकेगा। ये चीज आप बच्चे को अच्छे से बता सकते हो। तो इस दौरान हमें क्या करना है, बच्चे को मेंटली रूप से भी सुदृढ़ बनाना है, ठीक है। हो क्या रहा है कि बच्चे या तो मोबाइल देख रहे हैं या ज्यादा टीवी देख रहे हैं, तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, जिद्दी हो रहे हैं, तो
तो ये हमें कभी भी नहीं होने देना है, ठीक है। और खासकर कि बच्चे पर गुस्सा हमें नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो बच्चा फिर उससे और चिड़चिड़ा होगा। उसको प्यार से समझाने की हमें कोशिश करनी है। उसके बाद में और क्या कर सकते हैं, मान लो बच्चा फिर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मम्मी जी बोल सकती है ले बेटा मेरे बालों में तेल लगा दे, इससे जैसे इससे बच्चा आपके पास रहेगा। घर में दादा दादी है, नाना नानी है, वो कह रहे हैं, वो कह सकते हैं बेटा मेरे पैर दबा दे, और पैर दबा रहे हैं, उसके साथ आप उसको कहानी भी सुना सकते हो। तो इससे बच्चा भी बिजी है, एंगेज है, और बच्चा सीख भी रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम इकट्ठी कर सकते हैं, और हमें टाइम रूटीन के अकॉर्डिंग कम से कम बच्चे को टाइम देना ही पड़ेगा 2-3 घंटे, क्योंकि बच्चा हमारे पास है और पूरे समाज में या अपने ग्रुप वालों से नहीं मिल पा रहा है। तो इस दौरान जो बच्चा सीखेगा वो आपके फैमिली मेंबर्स के व्यवहार से या आपके व्यवहार से ही सीखेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान देना है कि हमारा भी बिहेवियर बिल्कुल A1 होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको ऑब्जर्व करे तो बच्चा भी अच्छे से उस चीज को सीख पाए, उसको अपने व्यवहार में ला पाए, ठीक है। बहुत सारी बातें होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि नाना नानी दादा दादी पैर दबाने के लिए कहें और कहानी सुन सकते हैं, ठीक है। पापा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, चल बेटा आज मैं आपको बूट पॉलिश करना सिखाता हूँ। बच्चे स्कूल में आते हैं, ठीक है, बहुत बार उनके बूट पर पॉलिश नहीं होती, तो उसको आप सिखाइए और वो सीख जाएगा। तो नई चीजें भी सिखा सकते हो आप, और कुछ ना कुछ नया करवाने की कोशिश कीजिए। मान लो चिड़िया उड़ रही है, तो आप कह दीजिए कि बेटा वो चिड़िया कितनी सुंदर है, या पौधा कितना सुंदर है, इस पर आप 3-4 लाइनें लिखकर मेरे को दिखाओ, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। जैसे हम निबंध कराते हैं गाय पर, उसी तरह हम कोई भी उनको टॉपिक उनके सामने चित्र होना चाहिए, जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग उनको देना है कि चलो हमारे घर के बारे में आप 5-6 लाइनें लिखो कि हमारे घर में क्या खास बात है, ठीक है, अपनी मम्मी जी के बारे में कोई खास बात लिखो। तो इससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, नया सोच पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें अच्छे से हम मेंटेन कर सकते हैं, और बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ और सुदृढ़ रहेगा। यदि ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चा फिर चिड़चिड़ा रहेगा, अस्वस्थ हो जाएगा। तो हमें इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है। तो अंत में हम 2 लाइनों के साथ अपना लेक्चर, ये वीडियो समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे कि बच्चे को कोरोना से बचाएंगे, बच्चे को कोरोना से बचाएंगे, मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाएंगे, बच्चे को कोरोना से बचाएंगे, मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाएंगे, मिलकर करेंगे प्रयास हम, कुछ यूं अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।